फर्स सीवी विच इज यंग्स मॉड्यूलस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं एंड यह थ्री टाइप्स का होता है यंग मॉड्यूलस शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस वी एव स्टीड इन स्ट्रेस स्ट्रेन करो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस इसे हम सिंबल वाई से डिनोट करते हैं यदि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस को सिग्मा एंड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करें तो वाई हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यदि एक एल लेंथ की रॉड पर टेंसाइल फोर्स एफ लगाने पर इसकी लेंथ में चेंज डेल्टा एल हो तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय

यहां पर हमें कुछ मटेरियल के लिए यंग्स मॉड्यूलस एंड यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज गिवन है वी कैन सी मेटल्स के लिए यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब यह है कि इन मटेरियल की लेंथ में स्मॉल चेंज करने के लिए हमें लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अभी जो आपने टेबल का डेटा देखा और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पे आप बताइए हेवी ड्यूटी मशीन्स एंड इन स्ट्रक्चरल डिजाइन आप सब लोग आपस में इसको चर्चा भी कर सकते हैं और फिर अपने टीचर से डिस्कस करिए हम देख सकते हैं कि मेटल्स में स्टील की यंग मॉड्यूलर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है यानी कि स्टील हाई टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस लगाने पर भी बहुत कम डिफॉर्म होगी इसीलिए स्टील को हेवी ड्यूटी मशीन एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन में यूज किया जाता है इसे समझने के लिए हम सेम लेंथ सेंटीमीटर एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक स्टील एंड एक कॉपर रॉड लेते हैं अब इनकी लेंथ में पॉइंट जीरो जीरो फाइव सेंटीमीटर का सेम चेंज करने के लिए टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं टेबल से स्टील एंड कॉपर के लिए यंग मॉड्यूल की वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू वाई एन टू डेल्टा एल बाई डेल्टा एल एंड एल की वैल्यू यूनिट्स SI में पुट करें एंड कैलकुलेट करें तो हमारे पास एफ आ जाएगा टू थाउजेंड न्यूटन अब सिमिलरली कॉपर रॉड पर अप्लाइड फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो यह 1100 न्यूटन के इक्वल आता है तो कहा जा सकता है कि जिस मटेरियल के यंग मॉड्यूलर्स की वैल्यू ज्यादा है उसकी लेंथ में सेम चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वह ज्यादा इलास्टिक भी होगा इस टेबल से हम देख सकते हैं कि स्टील के लिए यंग्स मॉड्यूल आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम से ज्यादा है इसीलिए इसे मशीन्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन में प्रेफर किया जाता है लेटेस्ट नाउ सॉल्व वन प्रॉब्लम क्वेश्चन इज लाइक दिस देर इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू पॉइंट टू मीटर्स एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ वन पॉइंट सिक्स मीटर्स दोनों वायर्स का डायमी गिवेन है थ्री एम एम एंड इन दोनों वायर्स को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है कनेक्ट करने के बाद हमने इन वायर को एक लोड से स्ट्रेच किया है स्ट्रेच करने के कारण जो इलोंगेशन आया है वह है पॉइंट सेवन जीरो एम एम के इक्वल तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमने कितना लोड अप्लाई किया था क्वेश्चन में यंग मॉडल ऑफ स्टील एंड यंग ऑफ कॉपर वायर गिवन है तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं यहां पे एल सी हमने बोल दिया है लेंथ ऑफ कॉपर वायर एंड एल एस लेंथ ऑफ स्टील वायर ए सी इज इक्वल टू एस दरिया ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील वायर जो कि होगा

डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस हमें दिया हुआ है पॉइंट सेवन जीरो में एम तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल एस आ जाएगा टू इंटू टेन रेशुर माइनस फोर मीटर्स डेल्टा एल सी आ जाएगा फाइव इंटू टेन रेशु दावर माइनस फोर मीटर्स इससे अब हम अप्लाइड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं अप्लाइड लोड W हो जाएगा वाई सी इंटू ए इंटू डेल्टा एलसी बाई एल सी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 176.625 सेवेंटी W को हम टू फाइव न्यूटन डब्ल्यू को हम एल एस अपॉन एल एस से भी कैलकुलेट कर सकते थे दोनों केस में वैल्यू सेम ही आती है। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से एक मेटालिक वायर के लिए यंग मॉड्यूल कैलकुलेट करना सीखेंगे सबसे पहले हम सेम मटेरियल के दो इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेडियस के लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं एंड इनको दिखाई हुई फिगर के अनुसार एक फिक्स डिजिट सपोर्ट से सस्पेंड कर देते हैं फिर वायर ए को रेफरेंस वायर एंड वायर बी को हम एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं अब वायर ए से हम एक मीटर स्केल अटैच कर देते हैं एंड वेट रखने के लिए एक पैन अटैच कर देते हैं वायर बी से भी एक पैन अटैच करते हैं जिसमें हम नॉन वेट्स प्लेस कर सकते हैं वायर बी से एक पॉइंटर जो कि वर्नियर स्केल वी से जुड़ा है उसको अटैच करते हैं अब दोनों पैनस में सेम वेट्स प्लेस करते हैं जिससे वायर्स पर एक डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है अब वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं यह इनिशियल वेट वायर को स्ट्रेट रखने के लिए रखा जाता है अब हम एक्सपेरिमेंटल वायर बी को ग्रेजुअली लोड करते हैं एंड वर्नियर रीडिंग्स नोट करते हैं दो वर्नियर रीडिंग के बीच का डिफरेंस हमें वायर के इलांगेशन की वैल्यू बताता है अब मान लेते हैं कि वायर की इनिशियल लेंथ एल है रेडियस आर है एंड एम मास पैन में रखने पर एल इलांगेशन क्रिएट करता है तो हम लिख सकते हैं y इज ईगल टू एम जी डिवाइडेड बाय पाईआर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एम जी डिवाइड बाय पाईआर स्क्वायर को वायर में स्ट्रेस कहते हैं एंड डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन है इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं y इज ईगल टू एम जी इन एल डिवाइडेड बाय पाईआर स्क्वायर डेल्टा एल इस प्रकार से हम किसी भी मेटालिक वायर का यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं अब आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने दो वायर्स को क्यों यूज किया एक्सपेरिमेंट में क्या हम एक सिंगल वायर के लिए ही यंग मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते थे और अगर कैलकुलेट कर सकते थे तो क्या वो एक्सपेरिमेंटली सही तरीका था कैलकुलेट करने का इस बारे में आप लोग आपस में चर्चा करें फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर के कारण वायर में एक्सपेंशन हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है अगर हम दोनों वायर सेम मटेरियल के लेंगे तो उनके जो लेंथ में चेंज होगा वो ड्यू टू टेम्परेचर सेम ही होगा अगर हम अलग अलग मटेरियल के लेते तो दोनों का जो डेल्टा एल होता वो बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट आता जिससे हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स गलत आते